जब से रोबोट 2.0 जब से रोबोट 2.0 की घोषणा हुई है, बताया जा रहा है कि मूवी में अक्षय कुमार विलन के रूप में दिखेंगे, लिहाजा फैंस काफ़ी उत्साहित भी थे कि अक्षय कुमार का अलग अंदाज देखने को मिलेगा। लेकिन बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार यह गलत है। मूवी में अक्षय कुमार विलन नहीं बने हैं। सूत्रों की माने तो अक्षय के किरदार का नाम है डॉक्टर रिचर्ड, जो कि समाज की भलाई के लिए लड़ेंगे। वह उन ताकतवर शक्तियों से लड़ेंगे जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। दरअसल जैसे ही मूवी के लिए अक्षय कुमार को फाइनल किया गया था, तो उनके किरदार को एंटी हीरो में बदल दिया गया और पॉजिटिव बना दिया गया, क्योंकि अक्षय अपने देशभक्ति मूवीज़ और किरदारों को लेकर काफ़ी पॉपुलर हैं, इसलिए निर्देशक ने उन्हें विलन नहीं बनाया। बहरहाल आपको बताते हैं रोबोट 2.0 पूरी तरह कैसे बन रही है। शंकर के निर्देशन में बनी इस मूवी में सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। वहीं मूवी के म्यूजिक दे रहे हैं A.R.रहमान। 450 करोड़ के भारी भरकम बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मूवी बाहुबली से भी ज़्यादा धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। मूवी में एक्शन काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। मूवी का ट्रेलर सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन यानी 12 दिसंबर को रिलीज होगा। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि मूवी का ट्रेलर सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है के साथ जोड़ा जाएगा। मूवी के क्रिएटिव हेड ने कहा, भारत के सिर्फ 1500 स्क्रीन जो कि 3D हैं उन पर ये मूवी दिखेगी, जबकि चीन में 10,000। लिहाजा हम जानते हैं कि मूवी रिलीज से पहले कम से कम 300 स्क्रीन की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। चीन में मूवी को बड़े स्तर पर रिलीज़ करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में भी स्क्रीन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मूवी तेलुगु और हिंदी में रिलीज़ होने वाली है, लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद है कि मूवी बाहुबली 2 से ज़्यादा की कमाई करेगी। कोई भी इस मूवी से टक्कर नहीं लेना चाहेगा, लिहाजा मूवी सोलो ही रिलीज़ होगी। जाहिर है कि एक हफ्ते तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर राज तगड़ा रहने वाला है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है ये मूवी की कुल कलेक्शन कितनी रहेगी।